नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित। मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मखाने के बारे में। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा कारगर माना गया है मखाना, और भी मैं आपको इसकी वीडियो में मखाने से जुड़े हुए बहुत तरह के दोस्तों फायदे के बारे में बताऊंगा, जिससे आप उसी दिन से ही मखाने खाना शुरू कर देंगे और आपका जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा मखाना खाने से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड शुगर आपको जानते हैं देखो, शुगर की बीमारी अक्सर हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो तकरीबन 40-45 या 50% के समथिंग जो है वो लोग शुगर की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समस्या को भरपूर मात्रा में कंट्रोल कर सकता है वो है भारत का नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट है और औषधियों से भरपूर होता है, वो होता है मखाना, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। मखाने में कम कैलोरी और भरपूर मात्रा में जो है वो फाइबर मौजूद होता है, जो दिल से लेकर के किडनी तक की सेहत का ध्यान रखता है, हर एक पार्ट का ध्यान रखता है, ना कि किडनी और दिल का। मखाना बॉडी में कमजोरी को दूर करता है, इसके अलावा वजन को कंट्रोल करता है और भरपूर मात्रा में कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और भी जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, डायबिटीजों के मरीजों के लिए मखाना जो है वो खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो सिर्फ डायबिटीज वाले व्यक्तियों को ही नहीं, बच्चे बूढ़े हर एक वर्ग को लोगों को मखाना किसी न किसी रूप में दोस्तों जरूर खाना चाहिए। पड़े भले ही आप 10 ग्राम क्यों ना खाएं, लेकिन खाएं जरूर, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आजीवन आपको कई ऐसी बीमारियों से बचाता है जो शायद आप उल्टी सीधी चीजें खाने के बाद बच नहीं सकते। इसके अलावा बात करें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सूजन पुरानी बीमारियों से बचाता। और बात कर लेते हैं कि इसको खाने के और क्या क्या फायदे दोस्तों होता है। देखिए, शुगर कंट्रोल करता है, सबसे पहली बात तो यही है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है शुगर, बच्चों से लेके बूढ़ों, नए युवाओं में, सब में आजकल शुगर की थोड़ी ना थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये होता है सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज के मगर अगर अपनी डाइट का ध्यान रखें और पर डे अपनी डाइट में मखाना किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें, चाहे वो दूध में उबाल कर खाएं, चाहे वो गुड़ के साथ खाएं, या और ड्राई फ्रूट को मिक्स करके लड्डू बना लीजिए, किसी और तरीके से खाएं, लेकिन मखाने को जरूर खाएं, घी में भून कर खाएं या कच्चे ही ऐसे ही खाएं, जैसे आपको खाना है, लेकिन पर डे मखाने जरूर आप खाएं। वजन को कंट्रोल में रखता है, अक्सर लोगों को वेट लूज करना है, वेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उसको कम करने के लिए तमाम तरह की योगा वोगा ये वो जिम विम जाते हैं, कुछ नहीं होगा इससे। आप घर बैठ करके मखाने खाइए, चलते फिरते खाइए, ऑफिस में खाइए, कोई भी काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज है, मखाने खाते रहिए, धीरे धीरे आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके शरीर में आपको वजन कम करते हुए नजर आओगे आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा दिल को सेहतमंद बनाता है, दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो नमक के साथ मखाने का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और किडनी को सेहतमंद बनाता है। मखाना किडनी से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप नियम रूप से मखाना का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो ये कुछ फायदे थे दोस्तों मखाना खाने के। ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वही इसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको नहीं भी है वो भी अपन डेली लाइफ में अगर मखाने खाने का इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो जिंदगी भर तक उनको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर एक नए वीडियोज की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।